हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आज मेरे साथ बजाज पल्सर 150 ट्विन स्प्लेंडर। तो आज मैं आप लोगों को इसका ड्राइविंग वीडियो का डिटेल्स अभी देने वाला हूँ, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको इसका डिटेल वॉकडाउन वीडियो चाहिए होगा तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और बाकी इसको मतलब बाकी कंपेयर भी करूँगा कि नॉर्मल 150 से इसका क्या क्या चेंजेस है या फिर इसका प्राइस कितना है। तो जुड़े रहिए, आगे देखते हैं। वैसे तो इसका डिटेल वॉकडाउन वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें नॉर्मल 150 से क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है। तो नॉर्मल 150 में आपको सिंगल सीट मिलता है, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है। साथ ही इसमें आपको ग्रेबल जो है वो थोड़ा स्टाइलिश मिलता है। और इसका नाम ही है ट्विन डिस्क वेरियंट। तो इसमें रियर में भी आपको डिस्क मिल जाएगा। नॉर्मल 150 में आपको पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। और इसका जो सामने का डिस्क ब्रेक है वो थोड़ा छोटा मतलब बड़े साइज़ का है, छोटा नहीं थोड़ा बड़े साइज़ का है। तो इसके वजह से ब्रेकिंग में थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। और इसका जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ा मतलब थोड़ा मोटा है। नॉर्मल 150 में थोड़ा छोटा साइज़ का रहता है, इसमें थोड़ा मोटा साइज़ का सस्पेंशन है। तो अभी ये थोड़ा चेंजेस है और बाकी सब कुछ सेम ही है और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए ग्रेबल थोड़ा स्टाइलिश वाला हो गया। और हाँ, इसका जो फुटपैक पोजीशन है वो थोड़ा रियर सेट है, मतलब इसका फुटपैक थोड़ा रियर सेट है तो थोड़ा स्पोर्टी पोजीशन मिल जाता है। और इसका जो गियर शिफ्टर है वो आपको सिंगल लीवर मिलता है, वरना नॉर्मल 150 में आपको हिल एंड टॉ शिफ्टर मिल जाता है, इसमें आपको सिंगल लीवर मिलता है क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्टी पोजीशन इसका स्टाइलिंग दिया। और साथ ही इसका टायर साइज़ भी थोड़ा बड़ा साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़े साइज़ का टायर साइज़ है। और बाकी आइडेंटिकल है, इंजन साइज़ या फिर इंजन पावर फिगर्स सभी आइडेंटिकल है नॉर्मल 150 के कंपैरिजन में। तो चलिए, अभी मैं अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे आ गया हूँ। तो अभी मैं आपको इसका ड्राइविंग का मतलब फील बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बाइक को चला के एक चीज़ जो समझ में आ रहा है, इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ है। मतलब पहले के मुताबिक VS4 का जो मॉडल होता था या फिर पुराना वाला जो मॉडल्स होता था पल्सर 150, उनके मुताबिक इसका गियर पोजिशन मतलब गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। गियर लीवर भी स्मूथ है और क्लच भी बहुत ही लाइट है। तो गियर शिफ्टिंग आप आराम से कर सकते हैं, जर्की फीलिंग नहीं आएगा। और मतलब सिटी का ट्रैफिक में भी आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हैं, आराम से चला सकते हैं पिलियन के साथ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। तो एक चीज़ हो गया, मतलब पुराने वाले बाइक से इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और साथ ही ये वाला तो ट्विन डिस्क वेरिएंट है, तो इसमें आपको डबल डिस्क मिल जाता है। पीछे भी एक डिस्क मिलता है और सामने का जो डिस्क है तो वो नॉर्मल 150 से थोड़ा बड़ा डिस्क है। तो उसकी वजह से इसका ब्रेकिंग भी थोड़ा बेहतर हो गया पहले से, इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, मतलब पहले से बेहतर हो गया। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलता है, तो सिंगल चैनल ABS की वजह से आपको तो समझ लेना वो थोड़ा स्पीड होने का चांसेस नहीं रहता है। और एक मतलब सेफ्टी हमेशा एक ब्रेक में रहता है, तो कोई लूज सर्विस आ गया तो ब्रेकिंग करना तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, ABS किक इन कर देता है तो सेफ रहते। और बाकी इसका जो सीटिंग पोजीशन है या फिर सीटिंग कम्फर्ट है वो नॉर्मल 150 के कंपैरिजन में थोड़ा मतलब हार्ड नहीं कर सकते, पर नॉर्मल 150 इससे थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसका सीटिंग पोजीशन भी थोड़ा मतलब इसका जो फुटरेस्ट है वो थोड़ा रियर सेट है नॉर्मल 150 से, तो इसकी वजह से आपको मतलब थोड़ा स्पोर्टी पोजीशन मिल जाता है। और सस्पेंशन, बाकी इसका सस्पेंशन थोड़ा मोटा है पर उस हिसाब से मतलब हार्ड हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है सस्पेंशन, बस थोड़ा साइज में थोड़ा मोटा है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है सस्पेंशन। तो आप किसी भी मतलब गड्ढों पर या फिर खराब रास्तों से जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप मतलब नीचे क्या आया था। तो बाकी मैं अगर इसके ड्राइविंग की बात करूँ, जैसे मतलब इसके इंजन के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको सेम 149 cc सिंगल सिलेंडर इंजन ही मिलता है, एयर कूल्ड इंजन जो नॉर्मल 150 में आता है वही वाला है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, सेम है, सभी पल्सर 150 में सेम इंजन आता है। और अगर मैं इस इंजन की बात करूँ तो इसका जो स्वीट स्पॉट है वो इसका मिड रेंज है। तो आप किसी भी गियर में रहोगे और मिड रेंज से अगर आप पुल करोगे, मिड रेंज में रहोगे और पुल करोगे तो आराम से बाइक पुल कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इसका लो एंड थोड़ा मतलब वीक नहीं कह सकते, पर लो एंड मिड रेंज जैसा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मिड रेंज में पूरा स्विच पड़े, मिड रेंज में आराम से पूरा किकिंग करता है, कोई भी गियर में हो मिड रेंज में हो जस्ट थ्रोटल खोलो और आराम से बाइक खींच लेगा। और लो एंड में भी ठीक ठाक है। और टॉप एंड की बात करूँ तो अगर आप सिंगल चलाएंगे तो टॉप एंड आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, पर आप पिलियन के साथ चलाएंगे तो टॉप एंड पूरा फ्लैट है, उतना पुल नहीं मिलता आपको टॉप एंड में। बाकी इस बाइक में आप 60-70 स्पीड आराम से कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस भी नहीं मिलते, उतना ज़्यादा क्या 70-80 के बाद थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस आता है, उससे पहले उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस तो मुझे मिला नहीं, तो वाइब्रेशंस का भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चला सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज में भी जा सकते हैं। और एक और चीज़, इसका जो माइलेज है
इसमें आपको लगभग 45 माइलेज मिल जाता है, मतलब नॉर्मली चलाएंगे तो, और अगर आप पूरा ध्यान रख के चलाएंगे तो आपको 50 तक माइलेज मिल सकता है। मतलब नॉर्मली आप 50-60 इस स्पीड बैंड में रहेंगे तो आपको 45 तक माइलेज आराम से मिल जाता है, 42 से 45 माइलेज मिल जाएगा। और बाकी इसमें आप 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है तो आपको अच्छा खासा रेंज भी मिलता है, उतना बुरा नहीं, रेंज भी अच्छा है। और जो BS6 वेरियंट, इसमें आपको नया अपडेट दिया गया है, मतलब इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें अपडेट दिया गया, तो चलिए दिखाता हूँ आपको। वैसे तो इसका लेआउट सेम ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है लेआउट में, बस इसमें यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, अच्छा गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं होता तो और भी अच्छा था, पर बाकी का जो लेआउट उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। तो देखिए इसका जो फ्यूल गेज है वो पहले यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, थोड़ा स्टाइल चेंज किया गया है, स्पीडोमीटर भी यहाँ पर है, और साथ में दो नए फीचर्स ऐड किए गए। तो इसमें अभी आपको रियल टाइम माइलेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी यह दोनों दिखाता है, मतलब रियल टाइम माइलेज कितना माइलेज रहेगा और डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना किलोमीटर जाएगा कितने पेट्रोल से, वो भी दिखाता है। तो ये देखिए जैसे अभी यह तो रहा सिंपल ऑडोमीटर, और ये देखिए यह रहा इसका रियल टाइम माइलेज, ठीक है। तो अभी मैं इस स्पीड से चला रहा हूँ 24, तो अभी मेरा 53 माइलेज दिखा रहा है, तो हालांकि उतना मिलता नहीं पर अप्रॉक्स उतना ही माइलेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है, तो इसमें पेट्रोल थोड़ा कम है, मतलब 1 से 2 लीटर है, तो अभी दिखा नहीं रहा, पहले 150 डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा था। तो ये रहा इसमें थोड़ा चेंजेस, जो चेंजेस किया गया था ये सब चेंजेस है इसमें। तो इसकी वजह से आप मतलब चलाते हुए चेक कर सकते हैं कि आपका कितना माइलेज दे रहा है, ज़्यादा माइलेज है, या मतलब कैसे चलाने से आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा वो आप देख के चला सकते हैं यहाँ पर आराम से। एक अच्छा फीचर है, और डिस्टेंस टू एम्प्टी भी अच्छा फीचर है, तो आप आराम से देख सकते हैं कितना पेट्रोल बचा है फ्यूल में, टैंक में, फ्यूल टैंक में। और अगर गियर पोजीशन इंडिकेटर एक हो जाता तो और भी अच्छा रहता, मतलब पूरा पैकेज अच्छा रहता, कोई बुरा नहीं रहता। और डिजिटल ये जो RPM मीटर है मुझे बहुत ही पसंद है, एनालॉग है, और मज़ा लगता है जब ये पूरा यहाँ तक जाता है, तो एक अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पर आपको अभी दिखा नहीं रहा, पर साइड स्टैंड इंडिकेटर और लो बैटरी इंडिकेटर ऐसा मिल जाता है, वो जब स्टार्ट ऑफ रहेगा तो दिखाता है। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका एक शोरूम प्राइस 1,16,000 या फिर ऐसा कुछ पड़ता है, तो वो एक शोरूम प्राइस है। अगर आप ऑब्वियसली जो ऑन रोड प्राइस इसका ज़्यादा ही होगा, तो इसका ऑन रोड प्राइस असम में लगभग 1,35,000 से 1,40,000 तक पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन मतलब स्टेट, हर स्टेट में सेम नहीं रहता, तो असम में 1,35,000 से 1,40,000 पड़ जाता है आपको प्राइस ऑन रोड, मतलब ऑन रोड प्राइस जो होता है शोरूम में मिलेगा आपको। एक शोरूम प्राइस अलग रहता है और शोरूम का प्राइस अलग रहता है, वो आपको मालूम होगा। और बाकी एक अच्छा पैकेज है, मतलब 150 cc में आपको अगर पल्सर चाहिए होगा तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है फैमिली के लिए। और अगर आपको फन टू राइड चाहिए तो आप NS ले सकते हो, ऑब्वियसली NS 160 आपके लिए बेहतर होगा। NS 160 का प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, 5,000 का अंतर होगा, पर उस हिसाब से आपको अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, और NS का पोस्चर भी थोड़ा एग्रेसिव स्पोर्टी है, तो उस हिसाब से अगर चाहिए होगा तो आप NS 160 ले सकते। अगर आपको नॉर्मल चलाना है तो पल्सर 150 ठीक ही है। दोस्तों यह था पल्सर 150 ट्विन डिस्क का रिव्यू। अगर आपको और भी किसी बाइक का रिव्यू फिर वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर आपको इस बाइक का ही 0-100 या फिर टॉप स्पीड ऐसा जानना होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।